हेलो दोस्तों, सुनीता के ख्याली पुलाव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एकदम इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी ऑमलेट की। इसे बनाना बहुत आसान है और 2 से 3 मिनट में आप फटाफट से इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ऑमलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बोल में 3 अंडे को ऐसे तोड़ के डाल देंगे। आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी, अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। और ये देखिए, 3 अंडों को मैंने तोड़ लिया है और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्क ले लेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। और ये देखिए, मैंने इसे लगातार 1 मिनट के लिए विस्क कर लिया है और इसमें बहुत अच्छे से झाग आ गई है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो 3 टेबलस्पून के आसपास मैंने प्याज डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने टमाटर डाला है। सबको बारीक काटना है और साथ में ही 3 टेबलस्पून जितना मैंने हरा धनिया डाला था, 2 हरी मिर्च को बारीक काट के लिया है। साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया था। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय अच्छे से मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये जो मसाले हैं वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। इस तरीके से हम 1 मिनट के लिए इसे भी लगातार ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मिक्सचर है वो रेडी है, सब कुछ अच्छे से मिल गया है। तो हम चलते हैं ऑमलेट बनाने की तरफ। तो एक पैन को लो फ्लेम में गर्म करने के लिए रखा है। इसमें मैंने 3 टीस्पून ऑयल डाला है। तो आप अपने हिसाब से ऑयल एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा, कम ही रखिएगा। और जब ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने जो मिक्सचर है उसे डाल दिया है इसे, और ये अपने आप ही पूरे तवे पे फैल गया है। और इसको हम लिड लगा के 2 मिनट के लिए एक साइड से लो फ्लेम में पका लेंगे। तो क्या हुआ था कि ये ढक्कन पैन से थोड़ा छोटा हो गया था तो ये सब चिपक गया था। तो मैंने इसे स्पैचुला की मदद से इस तरीके से हटाया है। तो आप थोड़ा ढक्कन बड़ा ही यूज़ कीजिएगा, मेरी जैसे गलती मत कीजिएगा, नहीं तो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, यहाँ पे निकल गया है लेकिन साइड में काफ़ी सारा मिक्सचर रह गया था। तो ऊपर से मैंने फिर से 2 टीस्पून ऑयल डाला है। तो ऑयल आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, बटर में भी ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फ्लिप किया था मैंने और दूसरे तरफ भी हम कवर करके 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। तो क्या होगा कि ऑमलेट बहुत अच्छे से पक जाएगा, अंडा कच्चा सा नहीं रहेगा। यहाँ पे दूसरे साइड से भी पक गया है। आपको लगे कि अच्छे से नहीं सीखा है, फ्लिप करके आप सेक भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता रेडी है। आप इसे फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो ये हेल्दी भी है और एक खा लेंगे तो आपको दिन भर भूख भी नहीं लगेगी। मेरा पैन थोड़ा सा बड़ा था तो ये फैला हुआ और ज़्यादा फूला नहीं है। आप छोटा पैन में बनाएंगे तो एकदम फ्लफ़ी ऑमलेट बन के रेडी होगा। यहाँ पे ऑमलेट को मैंने सर्व किया था, थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू भी लिया था, जिससे कि इसमें जब नींबू निचोड़ के आप खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बन के रेडी है। तो ऑमलेट तो आपने बहुत बार बनाया होगा, एक बार इस तरीके से भी बना के देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक अ गुड केयर।